63 लाख के जेवर सहित दो गिरफ्तार सिटी थाना पुलिस ने किया खुलासा। गतमा शहर के सरावगी मोहल्ला क्षेत्र स्थित मात्र कपड़ा ज्वेलर्स पर चोरी के आरोपियों की निशानदेही पर 63 किलो से अधिक चांदी और आधा किलो से अधिक सोने के जेवरात बरामद कर लिए। आरोपी निशात्रे की पाली जिला पुलिस की रिमांड में उन्होंने चोरी किए गए माल का खुलासा तक नहीं किया। प्यावर पुलिस की रिमांड के दौरान आरोपी ने अपना मुंह खोला और आरोपी द्वारा मकान के फर्श में छिपाकर रखा गया जेवरात बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को 1 दिसंबर को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस की उम्मीद है कि चोरी की आरोपियों को कुछ और खुलासा हो सकता है। गौरतलब है कि 22 अक्टूबर की रात शहर के सरावगी मोहल्ला क्षेत्र स्थित मात्र कृपा ज्वेलर्स में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। शातिर आरोपी ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की DVR भी चोरी कर ली। शिकायत मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक को राजदीप के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक हीरालाल सैनी के निर्देश पर सिटी थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह हाड़ा के नेतृत्व में उप निदेशक आशुतोष पांडे, हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार, जगमोहन कांस्टेबल अशोक कुमार, तेजमल धवल कुमार, इंद्रजीत, जितेंद्र सिंह, भगवान सिंह, राजेंद्र सिंह और पवन कुमार की टीम का गठन किया गया। पुलिस ने वारदात में शामिल गिरोह के सरगना परली जिला बीड हाल इंदिरा कॉलोनी भादर लाऊ पाली निवासी राहुल सिंह उर्फ पंडित सिंह तथा पांडिसरा सूरत गुजरात निवासी अर्जुन सिंह उर्फ अजय को धर लिया। कस्बे में मात्र कृपा ज्वेलर्स के यहाँ पे रात को नकबनी हुई थी। सोने चांदी की दुकान में ताले तोड़कर शटर उठा करके उसकी रिपोर्ट थाने पे दर्ज हुई। पुलिस ब्यावर थाने में टीम का गठन किया गया। SP साहब अजमेर के दिशा निर्देशन में मार्गदर्शन में टीम ने ब्यावर कस्बे के चारों तरफ शहर में एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के CCTV कैमरे चेक किए गए कि रात्रि के समय कोई भी वाहन किस दिशा से शहर में प्रवेश किया है, किधर से वापस बाहर निकला है। इस पर हमने एक टवेरा को आइडेंटिफाई किया जो उदयपुर चुंगी नाका की तरफ से उसकी एंट्री थी, उधर से उसका एग्जिट था। उसको फॉलो किया तो बर के पास जो टोल प्लाजा है पाली रोड पे, वहाँ पे उस गाड़ी का आना और जाना पाया गया। जिसको और फॉलो किया तो पता चला कि पाली जिले में बाली और रानी कस्बों में भी ज्वेलर्स के यहाँ पे नकबजनियाँ हुई हैं 2 दिन पहले, और वहाँ की पुलिस भी इस गाड़ी की तलाश कर रही है। ब्यावर पुलिस और पाली पुलिस दोनों ने मिलकर गाड़ी की तलाश की, सर्च की, तो पाली पुलिस के द्वारा टवेरा गाड़ी को डिटेन किया गया, 2 मुलजिम पकड़े और उनसे अब तक 66 किलो के करीब चांदी, 848 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। 3 इनके साथी फरार हैं। जो मेन अभियुक्त है राहुल उर्फ पंडित सिंह, जो महाराष्ट्र में 58 वारदातों में वांछित है, मकोका में कार्रवाई हो चुकी है, उसके खिलाफ अनुसंधान जारी है। अन्य वारदातों में भी इनका शामिल होना पाया जा सकता है। कल की सुबह 4 बजे से 4:30 के बीच में मेरा ये सब वारदात का काम हुआ। और सुबह उठने पर मैंने जब दुकान खोलने गया तो देखा तो मेरे सारे ताले वगैरह टूटे हुए थे। मैंने अर्जेंट अपने थाना अधिकारी साहब शामिंदर जी भाई साहब को घंटी करके मैंने कहा मेरे इस प्रकार की वारदात हो गई है, तो इमीडिएटली मेरे यहाँ पर आए और सारा मौका मुआवजा उन्होंने और सारे डिप्टी साहब दोनों आ गए थे, उन्होंने मौका मुआवजा किया मेरा। मुझे आश्वासन दिया दिलीप जी तुम्हारा काम सब बेटर रूप में होगा, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हर तरह से पुलिस ने मुझे हर तरह से कॉपरेशन किया और हर जगह मेरे कामों में सहयोग किया और मेरी हिम्मत बंधाई। दिलीप, आखिर में कितने माल की चोरी हुई थी लगभग उस समय, और अभी तक कितना माल बरामद हुआ? एवरेजिंग मेरी 135 किलो करीबन चांदी थी और करीबन 1500-1600 ग्राम तेल था। इसके अलावा कुछ गिरवी वगैरह का आइटम था और कुछ केस था। आज जिस तरह का माल बरामद हुआ किस तरह का अपना खर्च? आज मैं इससे बहुत खुश हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के रामेंद्र जी भाई साहब और डिप्टी साहब ने तय दिल से मेरे कामों में सहयोग किया, जी जान लगा के मेरे साथ के साथ कंधा से कंधा मिला के सब कामों को निपटाने का पूरा प्रयास करके और मुजरिमों को पकड़ा और मेरे माल को हर तरह से पकड़ने में इनका पूरा योगदान रहा और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का योगदान रहा था। हर व्यक्ति मेरे साथ लगकर कागज नीति का काम कैसे भी हर हाल में होना चाहिए, साहब की भावना थी कि कैसे भी करके बच्चे।